गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। कैसे हो सब लोग? अच्छे, बिल्कुल अच्छे हो? नहीं हो, क्यों नहीं हो? पढ़ते तो हो नहीं तो अच्छे कैसे हो? पढ़ा करो टाइम टू टाइम। हाँ, टॉपिक चल रहा अपना क्या, स्किन, ठीक है। और स्किन का आज लास्ट टॉपिक है स्किन अपेंडेज या एसेसरी ऑर्गन ऑफ द स्किन में लास्ट ऑर्गन कौन सा है? हेयर। क्या है? हेयर, ठीक है जी। हेयर किसका बना होता है? ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ओवरऑल पूरी बॉडी पर हेयर्स वो स्प्रेड रहते हैं, स्प्रेडेड ऑन ऑल आवर बॉडी। ऑल आवर बॉडी का मतलब बॉडी पे सब जगह, एक्सेप्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब को छोड़ करके। किस को छोड़ करके? लिप्स, ठीक है जी। किस किस को छोड़ करके? पाम्स, सॉल्स, लिप्स, ठीक है। इसके अलावा बाकी मोस्ट ऑफ जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, एक ऑर्गन और मानते हैं अपन ग्लांस, पेनिस, इतने ऑर्गन्स को छोड़ करके पूरी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं पे सघन होते हैं तो कहीं पे लूज होते हैं, कहीं पे ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो कहीं पर क्या होते हैं, कम अमाउंट के अंदर होते हैं। बात कर रहे हैं अपन हेयर की, ठीक है जी। किसकी बात कर रहे हैं? हेयर की बात। अगर ये हेयर्स छोटे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं लेनुगो। क्या बोलते हैं? लेनुगो, लेनुगो हेयर। किस में होते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर बेबी की पूरी बॉडी जो बालों से कवर रहती है, फाइन हेयर से कवर रहती है, बॉडी कवर्ड विथ, कवर्ड विथ फाइन हेयर, बहुत छोटे छोटे बालों से कवर्ड रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लेनुगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेनुगो। किसको बोलते हैं? कि जब बच्चा जन्मता है, आप भी जन्मे थे, हम भी जन्मे थे, उस टाइम पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल थे भूरे भूरे कलर के, ठीक है। उन हेयर्स को क्या बोलते हैं अपन? लेनुगो हेयर्स बोलते हैं। कौन से हेयर बोलते हैं? लेनुगो हेयर, ठीक है। हेयर की बात करें या हेयर फॉलिकल की बात करें तो हेयर फॉलिकल्स है वो ग्लैंड्स भी कंटेन करता है, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, और हेयर फॉलिकल उसके जस्ट सराउंडिंग में, जस्ट पास में, अपने पिछली क्लास में देखा था कि यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। सेबेसियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हेयर फॉलिकल और किसके बीच में? एरेक्टोपिलाई मसल्स है उनके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हेयर पूरी बॉडी पे कवर रहते हैं, केराटिन प्रोटीन के प्रेजेंट बने हुए होते हैं, और इनके अंदर एक्सेस अमाउंट के में अंदर क्या होती है? मेलानिन प्रेजेंट होती है। मेलानिन होती है इसीलिए इनका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। जिसके भूरे के बाल होते हैं उसमें मेलानिन क्या रहता है? कम अमाउंट में रहता है या फिर अब्सेंट रहता है। मोस्ट ऑफ जो हेयर्स है वो मेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, किसकी बजाय? फीमेल्स की बजाय। मेल्स हैविंग मोर हेयर देन फीमेल, फीमेल की बजाय मेल्स के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। आपने भी देखा होगा बियर्ड आती है दाढ़ी मेल्स में आते हैं, फीमेल्स में नहीं आती। पूरी बॉडी की बात करें तो बॉडी पूरी है जो मेल्स की वो हेयर से कवर्ड रहती है, ठीक है जी। अब अपन एक डायग्राम से और इसके हेयर के पार्ट से बात करते हैं, हेयर की एनाटोमी देखते हैं कि हेयर किस तरह का दिखता है, कैसे है। तो हेयर के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट वन पार्ट है वो तो होता है रूट। कौन सा पार्ट है? रूट। फर्स्ट पार्ट है, कौन सा? रूट। सेकंड पार्ट है शाफ्ट, और थर्ड पार्ट है टिप। ये क्या है? पार्ट है किसके? हेयर के। पार्ट्स ऑफ हेयर की बात करें तो हेयर के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन रूट पार्ट,
जो स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है, वो वाला पार्ट जो एम्बेडेड रहता है किसमें, स्किन में, एम्बेडेड इनटू स्किन, स्किन के अंदर सबसे अंदर की साइड में एम्बेडेड रहता है उस पार्ट को कौन सा पार्ट बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं, ये वाला रूट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है, वो कौन सा आता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट सेकंड पार्ट क्या आता है, सॉफ्ट, या इसको आप बॉडी भी बोल सकते हो, सॉफ्ट, और दूसरा क्या बोल सकते हो, बॉडी, बॉडी ऑफ हेयर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, जहां से रूट है, रूट के बाद में जो स्टार्ट पार्ट पोर्शन होता है, रूट तो थोड़ा सा क्या होता है, एम्बेडेड पार्ट है और राउंडेड पार्ट होता है, ठीक है। रूट दो चीज कंटेन करता है, एक तो हेयर बल्ब कंटेन करता है और दूसरा हेयर पेपिला कंटेन करता है। रूट की बात करें तो रूट क्या कंटेन करता है, हेयर पेपिला कंटेन करता है और हेयर बल्ब, बल्ब का मतलब होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हेयर में क्या होती है, नर्वस सप्लाई होती है, क्या होती है, नर्वस सप्लाई, तभी तो आपका बाल उखाड़ दे तो पता चलता है, दर्द होता है, उखाड़ के देख लो अड़ोसी पड़ोसी के, हाँ होता है कि नहीं होता, हाँ बिल्कुल होता है दर्द, किसकी वजह से होता है, हेयर बल्ब सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है। ये जो हेयर है, हेयर की रूट है, वो कवर्ड रहती है एक फाइन मेम्ब्रेन से, किससे कवर रहती है, एक फाइन मेम्ब्रेन से कवर रहती है, उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, क्या बोलते हैं उसको, हेयर फॉलिकल बोलते हैं। और हेयर के सराउंडिंग में मसल्स प्रेजेंट होती है, उन मसल्स को बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स, कौन सी मसल्स बोलते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स। और एरेक्टर पिलाई मसल्स है उसके जस्ट ऊपर के साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, आपकी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये तो था रूट के बारे में, रूट कौन सा पार्ट है, एंड पार्ट है जो एम्बेडेड रहता है किसके अंदर, स्किन के अंदर, या फिर आपके डर्मिस या हाइपोडर्मिस के अंदर, मेनली डर्मिस में क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, ठीक है। रूट है वो दो चीज कंटेन करता है, एक तो हेयर बल्ब कंटेन करता है, दूसरा क्या करता है, हेयर पेपिला कंटेन करता है। हेयर पेपिला के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है बल्ब, बल्ब की बात करें तो बल्ब है वो क्या है, सेंसरी पोर्शन, जिसके अंदर क्या रहती है, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन किसकी, सॉफ्ट की बात करते हैं, किसकी बात करें, सॉफ्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है कौन सा, सॉफ्ट, जो लॉन्ग लंबा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, कैसा पोर्शन है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर नुमा या ट्यूब लाइक पोर्शन है, कैसा है, ट्यूबुलर पोर्शन है, उसको आप क्या बोलते हो, सॉफ्ट बोलते हो। ये देखो यहां से लेके ये यहां तक का जो पोर्शन है उसको क्या बोलोगे आप, सॉफ्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, सॉफ्ट, पूरा हेयर का जो बचा हुआ पोर्शन उसको क्या बोलोगे, सॉफ्ट बोलोगे, ठीक है। सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट के अंदर हेयर की जो सॉफ्ट होती है उसमें तीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है, कितने लेयर प्रेजेंट होती है हेयर के, तीन लेयर्स होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हेयर की लेयर कितनी होती है, लेयर्स ऑफ हेयर, हेयर की कितनी लेयर होती है, तो बेटा कितनी लेयर होती है, तीन लेयर, कितनी लेयर होती है, तीन। कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं, कौन कौन सी होती है, देखें अपन बात करें तो फर्स्ट वन जो होती है वो होती है मेडुला, फर्स्ट वन कौन सी होती है, मेडुला, ठीक है। सेकंड वन होती है कॉर्टेक्स, सेकंड वन कौन सी होती है, कॉर्टेक्स। और थर्ड वन होती है, वो होती है क्यूटिकल। ये तीन कवरिंग प्रेजेंट होती है किसमें, हेयर में, कितनी कवरिंग होती है, तीन। कौन कौन सी, कौन कौन सी बेटा, फर्स्ट वन मेडुला, सेकंड वन कॉर्टेक्स, थर्ड वन क्यूटिकल। फर्स्ट वन बात करें किसकी, मेडुला की बात करें तो मेडुला सबसे अंदर का पोर्शन होता है। जैसे ये अपन हेयर है तो इस हेयर की बात करें तो इस हेयर के अंदर, इस सॉफ्ट के अंदर जो ये सबसे अंदर वाला जो ये पोर्शन है ना, ये क्या है, मेडुला है, ठीक है। जो सबसे अंदर का जो पोर्शन है, जो आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुला। मेडुला कौन सा पार्ट है, सबसे अंदर की साइड में जो पार्ट होता है उस पार्ट को कौन सा पार्ट बोलते हैं अपन, मेडुलरी पार्ट। कौन सा पार्ट बोलोगे बेटा, मेडुलरी पार्ट, सबसे अंदर की साइड में जो सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये मेडुलरी पार्ट है, ये कवर रहता है दूसरे एक लेयर से, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कौन सा बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे ये गहराई दिख रहा है, इसके बाद में यहाँ एक अलग सा और कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्टेक्स पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट। फिर लास्ट वन, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है अपने हेयर को, उस पोर्शन को बोलते हैं क्यूटिकल पोर्शन। यहाँ पे देखो इसमें ये व्हाइटिश कलर का दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ये होता कैसा है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर का एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो सबसे अंदर की साइड में होता है, ठीक है, इनर साइड में। कॉर्टेक्स कवर करता है किसको, मेडुला को, ठीक है। और इसको मेडुला को और कॉर्टेक्स को
दोनों को कवर कौन करता है? क्यूटिकल पोर्शन। कौन करता है? क्यूटिकल पार्ट, जो कैसा है, हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ है, हार्ड पोर्शन है, और हार्ड के साथ में ये क्या करता है, हेयर को कवर करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, हेयर को बाहर से कवर करता है और हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम भी यही पोर्शन करता है, क्यूटिकल पोर्शन है, ये प्रोटेक्ट भी करता है, किसको, हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हेयर के बारे में था कि कितने पार्ट होते हैं और साफ्ट, ठीक है, साफ्ट और साफ्ट के बारे में था। ठीक है, साफ्ट के सराउंडिंग के अंदर से विशेष ग्लैंड और कौन सी ग्लैंड और क्या प्रेजेंट होता है, अरेक्ट पिलाई मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करें किसकी, टिप की। नेक्स्ट वन किसकी बात करें, टिप की बात करें, जो टिप कौन सा पार्ट है, थर्ड वन लास्ट वन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, थर्ड वन और सबसे लास्ट वन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, टिप, क्या है, टिप है, एंड पोर्शन, एंड पार्ट ऑफ हेयर, हेयर का जो सबसे एंड का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड पार्ट को टिप बोलोगे। और टिप की अगर अपन बात करें, जहां पे क्या होता है, जो हेयर है वो क्या होता है, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब थोड़ा सा खड़ा रहता है, हेयर वेयर हेयर स्ट्रैंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी अपन ने क्या देखा है, हेयर के बारे में देखा है कि हेयर होते क्या है, ठीक है, किसके बने हुए होते हैं और कितने पार्ट होते हैं और उनके कितने पार्ट के अंदर, उसके अंदर कितनी कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें हेयर की, कि हेयर की अगर स्ट्रक्चरली अपन देखें, तो जो कोर्टेक्स मेडुला और आपने ये देखा था, उसमें सबसे जो मेन जो पोर्शन होता है, जो हेयर को कलर प्रोवाइड करवाता है, वो काम होता है किसका, कोर्टेक्स का, किसका काम होता है, कोर्टेक्स। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हेयर का कौन सा पार्ट है जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स पोर्शन, कौन सा पोर्शन, कॉर्टेक्स पोर्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये कलर के लिए, जो हेयर्स हैं अपने उनका किस तरह का कलर है, उस कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कॉर्टेक्स पोर्शन। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहर कौन सा पोर्शन रहता है, कौन सी लेयर रहती है, कॉर्टेक्स के बाहर कौन सी लेयर है, क्यूटिकल, और क्यूटिकल कैसी है, हार्ड लेयर है, जिसका क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, हेयर को प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें कि अगर एनाटोमी ऑफ हेयर की बात करें अपन, किसकी बात करें, हेयर की एनाटोमी की बात करें, तो ये जनरल जो एनाटोमी थी वो अपन देख ली। अब अगर इसकी बात करें, इसके ग्रोथ की और हेयर के जो वर्किंग कंडीशन है उनकी बात करें, तो ये जो हेयर है, ये मोस्ट कॉमनली जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कौन सी टिश्यू, जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। एपिथेलियल सेल्स तो जानते हो, पिछले जब एपिथेलियम टिश्यू अपन ने पढ़ा था उस टाइम देखा था, क्या देखा था, बताओ, एपिथीलिया, अरे बॉडी की कवरिंग, जहां पे एपी, एपी का मतलब अपॉन थीलिया, थीलिया मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जितनी भी पाउचेज होती है या फिर बॉडी कवरिंग होती है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ पे एक कंडीशन आती है हेयर लॉस की, एलोपेशिया, एलोपेशिया का नाम सुना होगा, बाल झड़ते हैं। ठीक है, बाल क्यों झड़ते हैं, कि जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है हेयर को, क्या होती है, ब्लड सप्लाई किसमें, हेयर पेपिला के अंदर, देखो ये लिखा है कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब ब्लड सप्लाई होती है, कई बार बाल उखड़ा है तो ब्लड आया आता है ना, ब्लड आता है बाल उखड़ जाता है तो, ठीक है, हाँ मतलब ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हेयर फोलिकल है, क्या है, हेयर फोलिकल है, इसके अंदर एयर भरना शुरू हो जाती है, क्या भरना शुरू हो जाते हैं, एयर बबल्स का इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, एयर बबल्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, और यहां पे एयर भर जाती है, उसकी वजह से यहां हेयर की जो जड़ें होती है, रूट होती है, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इसकी हेयर की जो रूट है वो क्या हो जाएगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये हेयर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर की साइड में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए एलोपेशिया की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर अपन बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है किसके बारे में, हेयर के बारे में, क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, तो कितनी कवरिंग्स होती है। ठीक है, थैंक यू।